हे, इट्स मी डॉक्टर शिव कुमार यादव। आज के विशेष टॉपिक में हम देव गुरु बृहस्पति के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। देव गुरु बृहस्पति कौन सी भावों में अच्छे फल देते हैं? माय डियर फ्रेंड, पहले देव गुरु बृहस्पति है क्या? तो ये देव गुरु बृहस्पति अंगिरा ऋषि का पुत्र स्वरूपा नाम का पत्नी से जन्मा हुआ था। देव गुरु बृहस्पति देवताओं का गुरु माना गया था और ये इंद्र को भी पराजित कर चुके थे। देव गुरु बृहस्पति जो देवताओं को गुरु माना जाता है, ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह माना भी जाता है इन एस्ट्रोलॉजी, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में देव गुरु बृहस्पति का अपना ही पहचान है। तो ये किन भावों में अच्छे फल देते हैं? लेट्स डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक टुडे। माय डियर फ्रेंड्स, देव गुरु बृहस्पति शास्त्रों बोलता है कि जिस घर में रहते हैं उसी घर को नाश कर देते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। देव गुरु बृहस्पति का काम क्या है? गुरु, गुरु मीन्स शिक्षा देना। सो देव गुरु बृहस्पति अच्छे फल भी देते हैं और भावनाशक भी होते हैं, और ये अत्यधिक शुभ ग्रह भी माने जाते हैं। तो देव गुरु बृहस्पति का किस किस के साथ मित्रता है, किस किस के साथ शत्रुता है? तो डेफिनेटली देव गुरु बृहस्पति का हर एक देवता के साथ मित्रता है। जैसे कि हमारे नवग्रह श्रृंखला में देव गुरु बृहस्पति का मित्रता मंगल देव के साथ है, मंगल देव के साथ है, चंद्रदेव के साथ है, सूर्यदेव के साथ है, और बुध चूंकि सम ग्रह है, बुध देव के साथ भी है। देव गुरु बृहस्पति उधर दैत्य गुरु बृहस्पति शनि राहु केतु इनके साथ संबंध अच्छा नहीं है, लेकिन दैत्य गुरु शुक्रदेव शुक्राचार्य के साथ इनका सम रिलेशन है। देव गुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च होते हैं, जबकि मकर राशि में नीच होते हैं। कहने का अर्थ, ये चंद्रमा की राशि में उच्च के होते हैं, जबकि ये शनि की राशि में नीच के होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वे इन व्हिच हाउस देव गुरु बृहस्पति हैड अ नो इफेक्ट, कहाँ ये अच्छे फल देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, देव गुरु बृहस्पति सबसे अच्छा फल देते हैं पंचम भाव में और नवम भाव में, और देव गुरु बृहस्पति द्वितीय और एकादश भाव में अच्छे फल देते हैं। अब आप ये भी कहिएगा कि देव गुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक है, देव गुरु बृहस्पति का अपना घर तो भाग्य का स्थान नवम घर है और द्वादश भाव का स्थान है। कहने का अर्थ, देव गुरु बृहस्पति रिप्रेजेंट करता है धनु राशि को, नवम राशि जो कहते हैं, और द्वादश राशि जो कि मीन राशि को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बारहु भाव में भी बलि होना चाहिए और नवम भाव में भी बलि होना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं है। माय डियर फ्रेंड, देव गुरु बृहस्पति जब भी अच्छे परिणाम देते हैं, धन की भाव में द्वितीय भाव में अच्छे परिणाम देते हैं, कुटुंब के भाव में अच्छे परिणाम देते हैं, क्योंकि द्वितीय भाव वाणी का भाव है, और जब भी गुरु अच्छे वाणी देता है, अच्छे शिक्षा देता है, ताकि उसका शिष्य का अच्छा वाणी हो सके। देव गुरु बृहस्पति सबसे अच्छे होते हैं पंचम भाव में, क्योंकि पंचम भाव शिक्षा का भाव है, पंचम भाव संतान का भाव है, पंचम भाव पुनर्जन्म का भाव है। इसीलिए पंचम भाव में देव गुरु बृहस्पति अच्छे फल देते हैं, एंड देव गुरु बृहस्पति भाग्य स्थान में भी अच्छे फल देते हैं। जैसे कि नवम भाव में देव गुरु बृहस्पति अच्छे फल देते हैं, क्योंकि नवम भाव को ही हम लोग कहते हैं धर्म का भाव, पिता का घर भी कहते हैं हम। तो पिता से जब भी गुरु अच्छे शिक्षा ही देते हैं, क्योंकि उनसे मिलके रहिए, अच्छे कीजिए।
और देव गुरु बृहस्पति लाभ के भाव में भी गुरु का काम क्या है, लाभ देना, ज्ञान देना। तो देव गुरु बृहस्पति सबसे अच्छे भाव है द्वितीय भाव, पंचम भाव, नवम भाव और एकादश भाव। अब रहा शास्त्रों के मुताबिक, पराशर ऋषि का मुताबिक क्या कहा गया है कि देवगुरु बृहस्पति प्रथम भाव में उच्च के होते हुए भी शास्त्र कहते हैं, पराशर ऋषि जो लिख गए हैं कि जन्म ना राम बने दुख। कहने का अर्थ, जन्म हुआ राम को, बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होते हुए भी देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के था, फिर भी राम को वनवास जाना पड़ा, राम को पत्नी त्यागनी पड़ी, राम को पुत्र से विरोध हो गया। सो देवगुरु बृहस्पति इवेन इफ कर्क राशि में उच्च के होते हुए भी प्रथम भाव में अच्छे फल नहीं दिए, जबकि प्रथम भाव क्या है, तन का है, मींस बॉडी का है, स्ट्रक्चर का है। तो इवेन इफ प्रथम भाव में कर्क राशि में उच्च होते हुए भी जो पराशर ऋषि ने श्लोक बनाया है कि जन्मना आराम है बनी दुख, जन्मने ही वक्त में राम दुख हो गया। अब वैसे ही करके तृतीय भाव में देवगुरु बृहस्पति दुर्योधन का था, तृतीय दुर्योधन हत, पराशर ऋषि का श्लोक है, तृतीय दुर्योधन हत। कहने का अर्थ, तृतीय भाव होता है छोटे भाई बहनों का, पराक्रम का, स्ट्रेंथ का, जो कि तृतीय भाव से सब भाव सारी ग्रह देखते हैं, सप्तम भाव डायरेक्ट भाग्य स्थान में देखते हैं। तो तृतीय भाव में दुर्योधन का बृहस्पति उच्च होने के बावजूद भी सह भाई तो था, लेकिन उच्च होने के बाद भी हत मीन्स सहयो भाई मर गया। सो देव गुरु बृहस्पति तृतीय दुर्योधन हत, कहने का अर्थ तृतीय भाव में भी अच्छे फल नहीं देते। वहीं पर पराशर ऋषि का तीसरा श्लोक है, चतुर्थे पांडव भ्रष्ट। अब देखिए, कर्क राशि में उच्च होने पर भी देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में, जहां पर माता घर मकान पे देवगुरु बृहस्पति उच्च के थे, जबकि माता घर मकान पांडवों को मिला नहीं, मिला, माता तो थी, घर और मकान में लफड़ा हो गया। सो देवगुरु बृहस्पति चतुर्थे पांडव भ्रष्ट मीन्स, देखिए कितना अच्छा श्लोक बनाया, चतुर्थ भाव में पांडव का बृहस्पति उच्च होने के बावजूद भी चतुर्थे पांडव भ्रष्ट, पांच पांडवों ने सिर्फ एक द्रौपदी से शादी किया था। नाउ आई डोंट वॉन्ट टू डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग रिगार्डिंग दिस टॉपिक, वाई पांडव इज भ्रष्ट। सो देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में अच्छे फल नहीं देते। षष्ठे वामनेव बलिहत। अब देखिए, षष्ठम भाव में उच्च का होते भी हुए भी जो दानवीर बलि राजा थे, उनका भी उच्च का देवगुरु बृहस्पति थे, कर्क राशि में उच्च का थे, लेकिन षष्ठे वामनेव बलिहत, कहने का अर्थ वामन अवतार में विष्णु भगवान ने बलि को, जो इतना दानवीर को हत कर दिया, कहने का अर्थ जमीन के नीचे गाड़ दी। माय डियर फ्रेंड, सप्तमे भ्रष्ट आचार, वही श्लोक कहा गया है, सप्तमे भ्रष्ट आचार, क्योंकि सप्तम दृष्टि से लग्न भाव को देखते हैं। सप्तमे भ्रष्ट आचार, सप्तमे क्या है, पार्टनर का घर है, घर का घर है, लाइफ पार्टनर का घर है, अपनी बीवी का घर है, चाहे स्पाउस का घर है, चाहे हस्बैंड का घर है, उस भावों में भी देवगुरु बृहस्पति अच्छे फल नहीं देते। भ्रष्ट आचार कभी कभी भ्रष्ट आचार भी बना देते हैं। अष्टमे बाली हंत्राचा। अब देखिए, बाली कितना शक्तिशाली था, जो उनके साथ युद्ध करने आता था उसका आधा शक्ति बाली के पास चला जाता था, इसीलिए बाली से पराजित हो जाता था।
बाली ने 12 वर्ष तक रावण को पूंछ में लपेट के बांधा। सो माय डियर फ्रेंड, अष्टमी बाली हत हंत्राचा, हंत्राचा कहने का अर्थ क्या हुआ? बाली को इतना बलवान था, फिर भी भगवान श्री राम मीन्स नारायण का अवतार मीन्स विष्णु का अवतार भी उनको छिपकर मारा। तो अष्टम भाव में बृहस्पति होने के कारण से बाली हंत्राचा मीन्स कभी कभी हम देखते हैं कुंडली में अष्टम भाव में बृहस्पति होने के कारण प्राय करके लोग को ही मार देता है। माइट बी इट्स नॉट पॉसिबल लॉट ऑफ केस, लेकिन आप एक और केस देख सकते हैं कि राजा ज्ञानेंद्र जो कि हिंदू का एक भगवान ही कहा जाता था, हिंदू का एक आस्था कहा जाता था, राजा ज्ञानेंद्र का बृहस्पति अष्टम भाव में है और शनि और राहु चतुर्थ भाव में था। अब देखिए राजा ज्ञानेंद्र को कैसे करके मरे। शो देव गुरु बृहस्पति अष्टम भाव में बाली हंत्राचा मीन्स कोई लुक के मारता है, कोई छिपके मारता है। दशमे ब्रह्म कपालिनी, वहीं पर पराशर ऋषि ने कहा है दशमे ब्रह्म कपालिनी, कहने का अर्थ दशम भाव में ब्रह्मा जी को भी भैरव जी ने सर काटना पड़ा, क्योंकि वो रोहिणी से प्रेम हो गया था। तो मृगशिरा में गया, आद्रा में जाके, आद्रा जो कि राहु का नक्षत्र माना जाता है, रुद्र अवतार में जाके काट दिया गया, सर को काट दिया गया। सो माय डियर फ्रेंड, दशम भाव में भी बृहस्पति अच्छा फल नहीं देता है, जबकि दशम भाव में बहुत सारे ग्रह अच्छा फल देते हैं। जैसे कि सबसे अच्छा फल देते हैं राहु, जिसके दसवें दुनिया उसके बस में। दशम भाव असल में है क्या? तो दशम भाव पिता का कर्म है, कर्म का स्थान है, और कृष्ण जी ने कहा है कर्म ही भाग्यस्य, कर्म ही धन है, सो कर्म करो। सो कर्म के भाव में सबसे अच्छे फल देते हैं राहु देव, राहु जिसके दस में दुनिया उसके बस में। देखिए डोनाल्ड ट्रंप का राहु दस में है, महात्मा गांधी का राहु दस में है, मोहम्मद रफ़ी का राहु दस में है, विजय माल्या सिद्धार्थ माल्या के राहु दस में है, और शाहरुख खान की राहु दस में है, एंड अलॉट ऑफ सो वन, बट यू कैन सी ऑन एस्ट्रोसेज कुंडली। तो दशम भाव में सबसे अच्छे फल देते हैं राहु जिसके दस में दुनिया उसके बस में, उसके बाद सबसे अच्छे फल देते हैं शनि जिसके दस में संपत्ति उसके बस में, उसके बाद सबसे अच्छे फल देते हैं शुक्र जिसके दस में ज्ञान उसके बस में, और उसके बाद अच्छे फल देते हैं सूर्य जिसके दस में प्रसिद्धि उसके बस में। उतना ही नहीं माय डियर फ्रेंड, बुध जो कि नपुंसक ग्रह माना गया है, बुध बालक ग्रह माना गया है, वो बुध जिसके दस में बौद्धिक क्षमता उसके बस में, धन उसके बस में, ज्ञान उसके बस में, मंगल जिसके बस में दस में उसकी संपत्ति और हठ उसके बस में, दंभ उसके बस में। लेकिन वही दशम भाव में चंद्रदेव अच्छा फल नहीं देते, वही दशम भाव में बृहस्पति देव अच्छा फल नहीं देते। इट्स वेरी डिफरेंट। केतु भी अच्छा ही आध्यात्मिक बना देते हैं दशम भाव में। तो द्वादशे, पराशर ऋषि का लास्ट श्लोक है द्वादशे रावण मृत्यु, कहने का अर्थ द्वादश भाव में रावण का द्वादश भाव में बृहस्पति होने से देखिए अहंकार से मृत्यु हो गया। रावण जितना ज्ञानी तो त्रेता युग में कोई नहीं था, द्वादश भाव में ही बृहस्पति होने के कारण से रावण की मृत्यु हो गई। उतना ही नहीं माय डियर फ्रेंड, भाग्य स्थान नवम भाव में रावण का राहु देव था। सो माय डियर फ्रेंड, वी समराइज फर्स्ट हाउस, जो पहला हाउस है, तीसरा हाउस है, षष्ठम हाउस है, सप्तम हाउस है, अष्टम हाउस है, दशम हाउस है और द्वादश हाउस है, इस सब में बृहस्पति देव हानि करता है, जबकि अत्यधिक शुभ ग्रह माने जाते हैं। बृहस्पति का अपना नक्षत्र
पुनर्वसु नक्षत्र है और पूर्व भाद्रपद और विशाखा नक्षत्र है, लेकिन द रियल नक्षत्र है पूर्णवसु नक्षत्र। यही पूर्णवसु नक्षत्र में भगवान श्री राम जन्मे हुए थे। और माय डियर फ्रेंड, टुडे वी टॉक अबाउट दिस बृहस्पति देव, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस एंड व्हिच हाउस इज द गुड। तो बृहस्पति अच्छे कौन से हाउस में देते हैं फल? द्वितीय भाव में, वाणी की भाव में, कुटुंब की भाव में, धन की भाव में, पंचम भाव में, शिक्षा ज्ञान के भाव में, पुनर्वसन के, पुनर्जीवन के भाव में, और उतना ही नहीं संतान के भाव में। लेकिन संतान के भाव में ये जिसको बृहस्पति देव है उसको पुत्री ही होता है पहले। और माय डियर फ्रेंड, भाग्य के स्थान में भी देवगुरु बृहस्पति अच्छे फल देते हैं, और उतना ही नहीं एकादश भाव में लाभ के स्थान में फल देते हैं। सो सिर्फ चार ही भाव में हल्का फुल्का अच्छा फल देते हैं, नहीं तो देवगुरु बृहस्पति कुंडली में उतना अच्छा फल नहीं देते हैं। और देवगुरु बृहस्पति का कुंडली में भी जब भी देखा जाए तो अंश देखिए कितना अंश में है, और वो सिर्फ ज्ञान का कारक है। जस्ट हम इतना जो श्लोक आपको बताएं, ये जस्ट सिर्फ एक ज्ञान का कारक है देवगुरु बृहस्पति। और ये ज्ञान कौन सी घर में दे सकता है? तो एक में तो नहीं दे सकता है, दो में दे सकता है, वाणी का कारक है, तीन पराक्रम में तो नहीं देगा, चतुर्थ भाव माता घर मकान में तो नहीं देगा, पंचम भाव शिक्षा और ज्ञान का कारक है, षष्ठम भाव कैरियर का कारक है इसमें तो नहीं देगा, षष्ठम भाव पार्टनर का कारक है इसमें भी नहीं देगा, अष्टम भाव मृत्यु का कारक है उसमें भी नहीं देता है, नवम भाव में अच्छे फल देते हैं, दसम भाव में अच्छे फल नहीं देते हैं, एकादश भाव में अच्छे फल देते हैं, द्वादश भाव में जबकि उनका ही अपना घर है वहाँ पे अहंकारी बना देता है। सो माय डियर फ्रेंड, टुडे वी स्टडी अबाउट दिस देव गुरु बृहस्पति, एंड डेफिनेटली आई थिंक दैट यू लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज़ 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 डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब डॉक्टर शिवानी ब्लास। और मेरे तरफ से नमस्कार।